फैसला जरूर लिया गया है। जो आरबीआई की तरफ से सर्कुलर है उसमें यह साफ कहा गया है कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर होगा, यानी कोई भी आपको अभी 2000 रुपए को देने या लेने से मना नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, इसी सर्कुलर में जो आखिरी पॉइंट है उसमें साफ लिखा गया है कि मेंबर्स ऑफ पब्लिक यानी आम लोगों को ये कहा जाता है कि वो 30 सितंबर 2023 तक 2000 के बैंक नोट्स को बैंक में जमा कराएं। तीसरी बड़ी बात, यानी उसकी वैधता अभी है, वो वैध रहेंगे 30 सितंबर तक, आपको इसी साल उसे लौटाना है, लगभग 4 महीने का वक्त है। और इसी के साथ अब 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे और आप एक दिन में 20000 रुपए के नोट ही बदल सकते हैं बैंक में, ताकि बैंकों पर भी बहुत ज्यादा दबाव ना हो और लोगों को दिक्कत ना हो। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे सुशांत मेहरा का रुख करते हैं। सुशांत, अब ये खबर अब धीरे धीरे लोगों में फैल रही है, नोटबंदी के दौरान बहुत ज्यादा लोगों ने पैनिक किया था, क्या इस वक्त लोग समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि लीगल टेंडर रहेगा यानी वो वैध है, आपके पास 4 महीने का वक्त है धीरे धीरे उसे बैंक में बदलने का, एक दिन में आप 20000 के नोट बदल सकते हैं। सुशांत कहां खड़े हैं आप, और अगर लोग हैं तो उनसे बात कीजिए। देखिए अंजना, मेरी मौजूदगी कनॉट प्लेस में है, लोगों के बीच में जो पिछली बार का पैनिक था वो इस बार शायद नजर नहीं आ रहा है। सरकार के फैसले को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। सरकार ने नोटबंदी जो है 2000 का जो नोट है उसको बंद करने के लिए कहा है, लेकिन उसका सर्कुलर जो है वो जारी रहेगा, सितंबर तक आप उस नोट को बैंक में जमा जो है वो करा सकते हैं। सरकार का ये फैसला कैसे देखते हैं? देखिए पिछली बार भी हुआ था, हमें पता है, उन्होंने टॉप के दो नोट बंद कर दिए थे 500 हजार के। दिक्कत सबसे ज्यादा उनको हुई थी जो कि गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, उनको लाइनों में लगना पड़ता है। पिछली बार अरेंजमेंट तो हुआ नहीं था, वो एटीएम लाइन में लगे हुए थे, नोट आए नहीं थे, वो किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी, कोई अपना घर का राशन खरीद नहीं पाया था। इस बार अगर जनता इसको सही तरीके से ले और गवर्नमेंट थोड़ा अच्छे से आपका प्रोविजन रखे तो ये इस फैसले को हम बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं। लेकिन वही है, देखा जा सकता है, लगता है फैसला सही है जी। देखिए इसमें मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब भी सरकार कोई डिसीजन लेते हैं तो जो हम पब्लिक है उनको देखना चाहिए कि एक डिसीजन जब भी लिया जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिया जाता है, तो जल्दी हम फैसला ना बनाए कि सही है गलत है। दूसरा, अब सरकार ने लास्ट टाइम जब बैन किया था हमारे 500 हजार के नोट, तो सरकार को भी पता है कि उनके एंड से कौन सी गलतियां हुई थी, तो ऑफकोर्स ही बात है, जाहिर सी बात है कि वो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात है कि ये हम सब पे निर्भर करता है कि हम उसको कैसे परसीव करें। जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, हमारी गवर्नमेंट है, इसको अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा तो बहुत अच्छा डिसीजन है, नहीं किया जाएगा जो लास्ट शायद थोड़ी गलती हो गई थी तो अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा वो। ये कैसा देखते हैं नोट, सरकार ने कहा है 2000 का नोट जो है वो बैंकों में अब जमा कराना होगा, वो पूरी तरीके से बंद कराने के बंद हो रहा है, लेकिन वो सर्कुलर में रहेगा, लोग लेन देन कर सकते हैं, लेकिन सितंबर के बाद वो आगे काम नहीं करेगा।